हेलो एट क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सेकेंड इन हिस्ट्री एंड चैप्टर नेम इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बिफोर स्टार्टिंग आर एक्सरसाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज जो चैप्टर सेकेंड की है। इसमें फर्स्ट जो है हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट इसमें जो है मैच द फॉलोइंग में मैच करने के बजाय डायरेक्ट मैंने आंसर इसमें मेंशन कर दिया है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर देख लेना। तो फर्स्ट है दीवानी। दीवानी का मीन्स होता है, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, वो राइट्स या वो अधिकार जिसमें क्या होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। वहीं पे बात करें हम लोग सेकंड, तो टाइगर ऑफ मैसूर, तो मैसूर का टाइगर किसे बताया गया था चैप्टर में, टीपू सुल्तान को। फिर थर्ड है आपका फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत का मतलब होता है क्रिमिनल कोर्ट, मतलब जिसमें क्रिमिनल केसेस वगैरह देखे जाते हैं या क्रिमिनल्स वगैरह के जो भी कोर्ट वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंडर में आते हैं। फिर है लास्ट आपका मैच द फॉलोइंग राम चन्नम्मा। इसका मीन्स है या बोले हम लोग पर्टिकुलर ये किससे बिलोंग करता हुआ है, तो वो है लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किथुर। किथुर जो पर्टिकुलर प्लेस था वहाँ पे एंटी ब्रिटिश कैंपेन बोल सकते हैं या आंदोलन जो चलाया गया था उससे रिलेटेड ये है। फिर है सिपाही, जहाँ हम भारतीय या इंडियंस हैं सिपाही बोलते हैं, तो वहीं पर ब्रिटिशर्स ने उनको कन्वर्ट किस में कर दिया था, किस नाम से बुलाया जाता था, सेपॉय के नाम से। अब सेकेंड जो है हमारा फ्लिंदा ब्लैंक्स हैं। फ्लिंदा ब्लैंक्स में मैंने ब्लैंक के जस्ट बाद में ही जस्ट आंसर लिखा है उसका, तो आप लोग उसमें मेंशन कर लेना या उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर कर लेना। तो फर्स्ट फ्लिंदा ब्लैंक में फर्स्ट है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा प्लासी। फिर सेकेंड है ब्लैंक जो है हमारा वो क्या है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, तो वो थे मैसूर के। फिर थर्ड है डलोजीज इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा लैप्स। फिर नेक्स्ट है लास्ट आपका फिल्म ब्लैंक जो है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ, मराठा जो किंगडम थे मेनली कहाँ लोकेटेड, कहाँ बसे हुए थे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है वेस्टर्न इंडिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो है एक्सरसाइज या बोले हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी वो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, या हम लोग बोले सीधे सीधे ट्रू फॉल्स हैं, और इसका आंसर भी मैंने इसके सामने मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग यहीं से डायरेक्ट राइट डाउन करना जो कि इसमें किया हुआ है। फर्स्ट जो आपका ट्रू फॉल्स है, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉगर इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के अंदर मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग हो गए थे क्या, या बोल सकते हैं स्ट्रॉगर या एक तरह से ताकतवर बने थे क्या, तो इसका आंसर ये आप बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। फिर वहीं पे सेकंड जो है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विद इंडिया, मतलब अगर हम लोग बात करें जो इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ केवल वो एक ही ऐसी कंट्री थी जिन लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड या व्यापार किया था, तो इसका आंसर भी क्या होगा गलत। फिर सी महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, तो सिंपल सी बात है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब उस पर पंजाब पे अटैक किया गया था तो उस टाइम पे वहाँ के महाराजा कौन थे, रंजीत सिंह थे, तो इस मीन्स इसका आंसर क्या होगा ट्रू। फिर लास्ट है आपका ट्रू फॉल्स का, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरी दे कॉन्क्वर्ड, मतलब जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो प्रशासनिक या शासन व्यवस्था जो थी उसमें कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कराया था क्या, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। अब आते हैं हमारे मेन जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, मतलब यूरोपियन जो कंपनी थी या हम लोग बोले सीधे सीधे जितने भी यूरोप से आने वाली जितनी भी कंपनीज थी उन्हें इंडिया में क्या अट्रैक्ट किया था जिसके कारण वो इंडिया आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब क्या था कॉटन और सिल्क जो प्रोडक्शन किया जाता था इंडिया में वो भी अच्छी क्वालिटी का, ऐसे नहीं कि ख़राब क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था, पहला तो कारण ये बताया गया है। सेकंड क्या कारण बताया गया है, इंडियन स्पाइसेस सर्च एज पीपर क्लोव्स कैराडोमन, मतलब ये जो आपके सामने जो स्पाइसेस मसाले दे रखे हैं जो एग्जाम्पल के रूप में है, तो हम सेकेंड कारण क्या बोलेंगे मसाले जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो कौन कौन सी जगह थी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनके बीच में लड़ाई हुई या बोल सकते हैं बैटल्स
के एक बोल सकते हैं सरकमस्टांसेस बने, या बोल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे कि बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में मनभेद देखने को मिला। तो आंसर इसका होगा द बंगाल नवाब अरेस्टेड दियर पावर एंड ऑटोनॉमी एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया कि बंगाल के जो नवाब थे, पहली चीज़ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर जो थी ना, या बोल सकते अपनी स्ट्रेंथ थी, उसको रिप्रेजेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, और उसी के बेसिस में उन्होंने खुद को वहाँ बंगाल का नवाब घोषित किया। और उसके बेसिस पे इन लोगों ने कंपनी से, मतलब जो कंपनी की रियायत थी, या बोल सकते हैं कंपनी जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो राज कर रही थी बंगाल के अंदर, उसके जितने भी कंसेशन थे, मतलब जितने भी छूट वगैरह थे या रियायतें वगैरह थी, सबको क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। मतलब कहने का मीन्स कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, दे डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट्स टू ट्रेड। और इसके अलावा क्या बोला कि कंपनी की जो भी ट्रेड, मतलब जो भी व्यापार होगा, तो उसके लिए बड़े पैमाने पे, या बोल सकते हैं बड़े लेवल पे उन्हें ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा, मतलब उसके बदले उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएंगे एक तरह से यहाँ बंगाल के अंदर ट्रेड या व्यापार कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है कि जो कंपनी ने जो उसके राइट्स थे कि मिंट्स कॉइन्स, मतलब एक तरह से कहने का मीन्स ये हो गया कि वो जो उनके कॉइन्स वगैरह सर्कुलेट होते थे मार्केट में, उनके ऊपर भी क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, द स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन क्या होता है, नॉर्मल हम बोलते हैं बाड़बंदी बोल सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, और बाकी फोर्टिफिकेशन का अगर हम लोग प्रॉपर मीन्स निकालें तो होता है किलाबंदी। तो जो क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पे भी अपना ट्रेडिंग या एक तरह से जहाँ बसती थी, उसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा लेती थी, और वहीं पे उनका ऑफिस होता था, और वहीं पे उनकी सिपाही वगैरह रहा करते थे। तो उसके लिए भी बंगाल ने क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब बंगाल के जितने भी नवाब हैं उन लोगों ने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बताया गया एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डेप्राइड बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंडर माइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। अब इस लाइन में क्या बताया गया, तो इसमें बोला गया है कि जो बंगाल के नवाब और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी या बोले ब्रिटिशर्स काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा रहे थे। इसके साथ साथ वो उनके जो राइट्स थे, नवाब के जो राइट्स थे, या बोलते थे वहाँ के जो ऑनर थे, एक तरह से हम बोले राजा वगैरह थे, उनके राइट्स थे, उनका भी क्या कर रहे थे, हनन कर रहे थे। मतलब इन शॉर्ट वे में वो जो ब्रिटिशर्स अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे कंपेयर टू नवाब। तो इसी कारण इन सब बंगाल के जो नवाब थे, उन लोगों ने ये स्टेप्स लिए जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। अब ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट का नुकसान करना, मतलब रेवेन्यू वगैरह में नुकसान होना, फिर बंगाल को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक तरह से डिसरेस्पेक्टफुल थी, मतलब अपमानजनक था। तो उसके साथ साथ ये क्या करते थे, टैक्स भी पे नहीं करते थे जो वो बंगाल के जो नवाब थे उनको। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि ऑल ओवर जो था, अब वो किसका बोलते रहते डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, बंगाल के नवाब थे उनका और वहाँ की गवर्नमेंट का। तो इसमें वही बताया गया कि एक तो टैक्स पे नहीं करना, उसके साथ साथ और डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखना, मतलब एक प्रॉपर जो रेस्पेक्ट होती है लेटर में वो उन्हें नहीं देना। इसके साथ वो क्या कर रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे। अब क्या ह्यूमिलेट मीन्स होता है कि एक तरह से उनको अपमान करना, ठीक है, किसका, एक तो नवाब का और उनके ऑफिशियल्स, मतलब उनके जो भी साथ में रहने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका। आगे नेक्स्ट वाले लाइन में क्या बताया लास्ट में, दीज वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये एरियाज थे, या बोले हम लोग ये पर्टिकुलर थिंग्स थी जिनके बीच में बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या बोल सकते हैं मनभेद वगैरह देखने को मिला। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड द एज्यूम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो दीवानी बेनिफिट्स थे, या एक तरह से बोलें जो दीवानी राइट्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो कैसे उनके लिए बेनिफिशियल रहे, या कैसे उनके लिए लाभदायक रहे, तो वो देखते हैं हम इसका आंसर। द मुगल एम्पायर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनीज दीवान ऑफ प्रोविजन ऑफ बंगाल। मतलब क्या हुआ कि 1765 के अंदर जो मुगल एम्पायर था, उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। अब दीवानी राइट्स होते क्या प्रॉपर तरीके से, वो देखते हैं इसमें। तो दीवानी अलाउड टू कंपनी टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। मतलब इसके थ्रू क्या होने लगा कि जो दीवानी राइट्स मिलते ही जो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पे जो रेवेन्यू सोर्सेज बोल सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक तरह से उनको खुली छूट मिल गई थी कि आप क्या कर सकते हो बंगाल में
में आप अपना ट्रेडिंग या व्यापार कर सकते हो। अब इसको आगे जाके रिजल्ट क्या देखने को मिला, दिस सॉल्व द अमेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैज़ अर्लियर फेस। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी या ये बोल सकते हैं ये जो इनको सामने जो समस्या देखने को मिली ये पहले वो फेस कर चुके थे, एक तरह से ये उनके सामने आ चुकी थी। ऑल दो इट्स ट्रेड हैड एक्सपेंडेड इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब क्या करते थे, पहली चीज़ तो ये कि इसी कारण मतलब दीवाने राइट के कारण क्या हुआ कि जो इनका व्यापार था इंडिया के अंदर या बोले मतलब बंगाल के अंदर एक्सपेंड हो पाया, और ये क्या करते थे यहाँ पे मोस्टली मतलब जितने भी गुड्स थे वो किसके साथ गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ क्या करते थे इम्पोर्ट कर लेते थे। अच्छा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, इम्पोर्ट कोई चीज़ मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो ये क्या करते थे गोल्ड और सिल्वर यहाँ मंगाते थे ब्रिटेन से, और उसके क्या करते थे जो गुड्स होते थे मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी माल अच्छे मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम डिस्कस किया था जैसे अलग अलग बोल सकते हैं मसाले हो गया, अलग अलग कॉटन सिल्क बोल सकते हैं प्रोडक्शन हो गया, तो उनको परचेज करते थे और कहाँ ले जाते थे ब्रिटेन मतलब आउट ऑफ कंट्री लेके जाते थे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, द ओवरफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ दीवानी। मतलब क्या हुआ कि जो कि ब्रिटेन से आने वाला सोना था ठीक है उसको दीवाने राइट्स मिलते क्या हो गया बंद हो गया, मतलब कहने का मीन्स उसको बंद कर दिया गया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ धीरे धीरे ये जो रेवेन्यू वगैरह मतलब जो कर वगैरह था वहाँ से अब क्या हुआ फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस मतलब एक तरह से जो कर देने वाली या ब्याज पे देने वाली जो कंपनी थी उनका एक्सपेंसेस मतलब उनका बढ़ोतरी हो गई। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो मतलब रेवेन्यू मतलब फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस हुई या ब्याज देने वाली, तो उसी के साथ साथ क्या हुआ कि इनके एक्सपेंसेस मतलब इनके जो खर्चे थे या बोल सकते हैं जो इनके एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर थे वो क्या हुआ बढ़ते चले गए। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, दीज रेवेन्यू दे यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कहाँ से इंडियन से, उनसे क्या करते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल क्या कर परचेस करते, मतलब कहने का मीन्स हो गया हमारा ही पैसा और हमारे प्रोडक्ट क्या करते थे परचेस कर लेते थे। और बाद में क्या हुआ मेंटेन द कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड द कंपनी फोर्ट एंड द ऑफिसेस एट कलकत्ता। मतलब क्या बोला गया उस रेवेन्यू से मतलब कॉटन और सिल्क तो परचेस करते ही थे, इसके साथ साथ में ये मेंटेन की करते थे किसको जो कंपनी होती थी मतलब स्पेशली कंपनी से बोला गया वहाँ के जो आर्मी उसके लिए बोला गया कंपनी के जो ट्रूप्स हुआ करते थे। और ट्रूप्स में तो वैसे होता है जो टुकड़ी होती है सेना की टुकड़ी होती है या हम बोले ग्रुप जो होता है जिसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं, तो उस टुकड़ी को मेंटेन करने के इसके साथ साथ जो बिल्डिंग बनाते थे जो कौन सी बिल्डिंग जो कि स्पेशली मैंने बात करी थी कि लाइक जहाँ पे भी लोग ट्रेड व्यापार करते थे उसके आसपास क्या करते थे एक बिल्डिंग एक तरह से वॉल बना लेते थे जिसके कारण वो सेफ रह सके बाहर से आने वाले कोई भी एनिमीज है उनसे, तो उसको मेंटेन करते थे उसे बनवाते थे। इसके साथ साथ जो फौजी होते थे या बोल सकते हैं उनके जो सिपाही होते थे उनको क्या करते थे मेंटेन करने का काम करते थे। इसके अलावा क्या बोला गया ऑफिस एट कोलकाता, मतलब ये सारी चीज़ें या सारा रेवेन्यू कहाँ पे कलकत्ता के अंदर क्या मेंटेनेंस और बिल्डिंग में ये स्पेंड करते थे। फिर सेवन क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब क्या होता है सब्सिडरी अलायंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस मतलब अगर हम लोग बात करें इस सिस्टम में या ये जो अलायंस वैसे अलायंस मीन्स होता है संधि ठीक है, तो मतलब सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि बोल सकते हैं हम लोग इस प्रॉपर हिंदी अगर बोलना चाहें, तो वो जो सहायक संधि जो करी गई थी पर्टिकुलर अब क्या था इसमें या इसमें क्या क्या मेंशन किया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में बताया गया इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। मतलब इसके अकॉर्डिंग सहायक संधि में क्या था कि कोई भी इंडियन रूलर मतलब कोई भी भारत का जो शासक है चाहे वो राजा हो व्हाटएवर कोई भी हो नवाब हो कुछ भी, तो उनको अलाउ नहीं था कि वो क्या कर सके इंडिपेंडेंटली आर्म फोर्स रख सके, मतलब आर्म फोर्सेस मतलब होता है जिसके पास हथियार हो ऐसी सेना रख सके उनको अलाउ नहीं था। तो ये था इसके अंदर पर्टिकुलर। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी, मतलब क्या था कि वो फोर्सेस नहीं रख सकती हथियार वाली जिनके पास हथियार हो, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगी कंपनी करेगी, और कंपनी से मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है यहाँ पे। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। मतलब अब इसके पीछे कारण क्या था कि कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी इससे भी कमाना चाह रही थी
किससे कि वो क्या करेगी, उन्हें प्रोटेक्शन देगी और उसके बदले क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ पैसा या अमाउंट देना पड़ेगा जिसके भी हाँ पे क्या होगा, उन्हें वो प्रोटेक्शन मिल पाएगा। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है कि कंपनी क्या कर रही थी कि जितने भी जिन राजा थे उनको क्या बोलती थी कि तुम अपने खुद के सेना नहीं रख सकते, हथियारबंद सेना नहीं रख सकते, तुम्हारे को प्रोटेक्शन हम देंगे लेकिन उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। अब वो क्या पे करना था क्या नहीं था वो हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया है लाइन में, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट द पार्ट ऑफ दियर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पैरेंटी। अगर किसी कंडीशन में कोई रूलर ऐसा था या कोई शासक ऐसा था जो क्या पे नहीं कर पाता था या बोल सकते हैं प्रोटेक्शन अमाउंट पे नहीं कर पाता था, तो उसकी टेरिटरी मतलब उसकी जो बोल सकते हैं जो साम्राज्य था उसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो था पैलेंटी के रूप में ले लिया जाता था। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में बोला गया है, द स्टेट्स विच हैड टू लूज दियर टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड वर अवध एंड हैदराबाद। मतलब वो स्टेट या फिर हम बोले ऐसे राज्य जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो कौन से थे, एक तो अवध और हैदराबाद। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, सेकेंड वीडियो के अंदर 8th क्वेश्चन जो मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार देख लेते हैं 8th क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या बोल रहा है। इन वॉट वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट थे या कैसे अलग था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो।